बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर में हम मार्च 2022 के पाकिस्तान और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे और ये करंट अफेयर्स हर टेस्ट के लिए अहम हैं। पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी अवेलेबल है, एंड तक वीडियो लाजमी देखिएगा, बहुत ही अच्छी वीडियो है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पाकिस्तान इज़ शेड्यूल्ड टू इनोग्रेट इट्स फर्स्ट नेशनल एमरजेंसी हेल्पलाइन 911 ऑन विच डेट। सो पाकिस्तान पहली मरतबा नेशनल इमरजेंसी हेल्पलाइन 911 को इनोग्रेट करने जा रहा है फर्स्ट रमज़ान को, यानी कि आने वाला जो फर्स्ट रमज़ान 2022 का है, और ये प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान करेंगे इनोग्रेट। सो ये फर्स्ट रमज़ान जो है इसका करेक्ट आंसर है। इसमें ये है कि जितने भी हेल्पलाइंस हैं, फायर ब्रिगेड, पुलिस, हेल्थ, ये सब 911 मिलाने पे ये कनेक्ट हो जाएंगे और जो भी कंसर्न होगा उसको जो है फॉरवर्ड किया जाएगा कॉल। सो इस तरह जो है ये पाकिस्तान का पहला नेशनल इमरजेंसी हेल्पलाइन है जो फर्स्ट रमज़ान को इनोग्रेट होगा। वेटरन पाकिस्तानी एक्टर मसूद अख्तर पास्ड अवे ऑन द डेट। सो पाकिस्तानी लेजेंड अदाकार मसूद अख्तर 5 मार्च 2022 को इंतकाल कर गए हैं। 5 मार्च 2022 इसका करेक्ट आंसर है, और ये स्टेज एक्टर थे, टेलीविज़न, रेडियो और फिल्म एक्टर भी थे, और ये 83 बरस की एज में, 83 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज इस तरह की वीडियोज़ हम डेली बेसिस पर बनाते रहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, द SBP हैज़ डायरेक्टेड बैंक्स टू एम्प्लॉय एटलीस्ट 20% ऑफ वुमेन इन द वर्क फोर्स बाय द ईयर। सो SBP स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 2023 तक बैंक्स को ये जो है एक डायरेक्शन दी है, हिदायत दी है कि कम अज़ कम 20% ख़वातीन को ये हायर करें। सो 2023 तक ये जो है डायरेक्शन मिली है बैंकों को, और ये जो है ऐलान किया गया है मार्च 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट अप्रूव्ड $10 million फॉर PM's रिलीफ पैकेज। सो ये पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है इसने 303 बिलियन का जो है ऐलान किया है PM रिलीफ पैकेज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली आर रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट आ नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट अ प्राइम मिनिस्टर। सो एटलीस्ट 20% मेंबर्स की ज़रूरत होती है, 68 मेंबर्स की, क्योंकि रिसेंटली 8 मार्च 2022 को नेशनल जो हैं पाकिस्तान की जो अपोजिशन जमायतें हैं, उन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद जमा कराई है। उसके लिए डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाई है, वो भी आप इसी चैनल से देख सकते हैं कि अदम एतमाद क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी इसी के रिलेटेड है, और 172 वोट चाहिए जो है कामयाब होने के लिए गवर्नमेंट को, और अपोजिशन को भी 172 वोट चाहिए गवर्नमेंट को हटाने के लिए। पूरी वीडियो देखने के बाद नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपना टेस्ट लें, ताकि आपको मालूम हो जाए कि कितने सवाल आपको याद हो गए हैं। नेम द फ्रेमवर्क पॉलिसी लॉन्च्ड इन पाकिस्तान ऑन इंटरनेशनल वुमेंस डे ऑन 8th of March। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे ऑब्ज़र्व किया जाता है। सो इस दिन पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, नेशनल जेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क का इन्होंने लॉन्च किया है, आगाज़ किया है 8/3/2022 को, 8 मार्च 2022 को। What is the theme of 2022 International Women's Day? So ये 8 मार्च को ऑब्जर्व किया गया, और इसका जो थीम है वो इस साल का है, जेंडर इक्वलिटी टूडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। सस्टेनेबल का मतलब होता है पायदार। सो ये जो है इसका करेक्ट आंसर है। Who won Senate election on March 9th, 2022 in the province of Sindh? सो निसार अहमद खोड़ो जो हैं सिंध के हैं, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, 9 मार्च 2022 को सेनेट इलेक्शन इन्होंने जीत लिया है। सो ये फैसल वावडा जो रिसेंटली नाइल हुए थे, उसकी सीट पर जो है इन्होंने जो है इलेक्शन जीत लिया है, सेनेट इलेक्शन। फर्स्ट पिग हार्ट ट्रांसप्लांट पेशेंट डाइड ऑन द डेट ऑफ। सो ये 8 मार्च 2022 को 2 माह के बाद ये इंतकाल कर गए हैं, 57 बरस की एज में, और जो है इनका नाम जो है था वो था डेविड बेनेट, और इन्होंने ट्रांसप्लांट जो है लगाया था 7 जनवरी 2022 को, और करीब 2 माह के बाद ये इंतकाल कर गए हैं 8 मार्च 2022 को। नासा
जो कि स्पेस एजेंसी है यूएसए की, अनाउंस प्लान्स टू ऑफिशियली शट डाउन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इन विच ईयर। सो 2021 तक इन्होंने ऐलान किया है कि हम ऑफिशियली जो है शट डाउन करेंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को। सो 2021 का इन्होंने टारगेट बना लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लेयर वन टेनिस टूर्नामेंट मैक्सिकन ओपन 2022, जिसे एकापुल्को टाइटल भी कहा जाता है। सो ये राफेल नडाल ने जीता है, जिसकी एज 35 है और ये स्पेन से ताल्लुक़ रखते हैं। सो इन्होंने जो है शिकस्त दी है कैमरून नूरी को। कैमरून नूरी जो है इसका करेक्ट आंसर है। और मैक्सिकन ओपन 2022 राफेल नडाल ने जीता है, जिसका ताल्लुक स्पेन से है। और स्पेन एक यूरोप का कंट्री है, जिसका कैपिटल मैड्रिड है और करेंसी यूरो है। ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? सो ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे जो है 1 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। और ये यूएन एड्स जो कि एक यूएन का एक इदारा है, उसने पहली मरतबा 2014 में 1 मार्च को ये सेलिब्रेट किया था दिन। और उसके बाद जो है हर साल अब 1 मार्च को ये ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया जाता है। और अगर थीम पूछा जाए तो थीम जो है 2022 की है, रिमूव लॉज दैट हार्म क्रिएट लॉज दैट एम्पावर। ये इसकी 2022 की थीम है। विच कंट्री सक्सेसफुली लॉन्च इट्स सेकेंड मिलिट्री सेटेलाइट इन टू अर्थ ऑर्बिट इन मार्च 2022? ये ईरान ने जो है किया है, ईरान जो है इसका करेक्ट आंसर है। इन्होंने दूसरा सेटेलाइट, मिलिट्री सेटेलाइट जो है कामयाबी से इसका तजुर्बा किया है, जिसका नाम नूर 2 रखा गया है। नूर जिसका मतलब होता है लाइट, रोशनी, उसको जो है ऑर्बिट में, अर्थ की जो ऑर्बिट है उसमें मार्च 2022 में इन्होंने लॉन्च किया है। रेनाउड जर्नलिस्ट एंड पोइट फराहाद जैदी पास्ड अवे ऑन। सो ये जर्नलिस्ट भी थे, सहाफ़ी भी थे, शायर थे। ये 11 मार्च 2022 को इंतकाल कर गए हैं। सो ये जो है 11 मार्च इसका करेक्ट आंसर है। विच एयरलाइन इज़ गोइंग टू बिकम द फर्स्ट एयरलाइन इन द वर्ल्ड टू यूज सोलर फ्यूल? सो स्विस एयरलाइंस जो है ये दुनिया की पहली एयरलाइन बनने जा रही है जो सोलर फ्यूल्स का यूज़ करेगी। सो स्विस एयरलाइंस जो है इसका करेक्ट आंसर है। और ये जो है 2023 यानी कि नेक्स्ट ईयर तक ये सोलर फ्यूल का यूज़ करेंगे। और ये जो है एक इंटरनेशनल एयरलाइंस है, और ये जो है इसको 2002 में बनाया गया था स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट पाकिस्तान एंड विच कंट्री इज़ द मोस्ट वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज? वल्नरेबल का मतलब होता है जो ख़तरे से दोचार हो, जो डेंजर में हो, ख़तरे में हो। सो पाकिस्तान और इंडिया, रिसेंटली रिपोर्ट में बताया गया है कि ये दोनों ऐसी कंट्रीज़ हैं जहां सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज का ख़तरा है। सो क्लाइमेट चेंज जो है इसका करेक्ट आंसर है। और इंडिया और पाकिस्तान, ये दोनों जो के साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, यानी कि पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, ये साउथ एशिया में आते हैं और ये जो है सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज से वल्नरेबल है। और इस रिपोर्ट को रिसेंटली पब्लिश किया गया है जो कि इदारे का नाम है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, और ये 2022 में रिसेंटली इसको पब्लिश किया गया है। व्हेन इज़ वर्ल्ड ओबेसिटी डे इज़ ऑब्जर्व? सो ओबेसिटी कहते हैं मोटापे को। सो ये 4 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है, वर्ल्ड ओबेसिटी डे। और ये जो है इसका मकसद ये है कि प्रमोटिंग प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस टू एंड द ग्लोबल ओबेसिटी क्राइसिस। सो ये जो है 4 मार्च को जो है ऑब्जर्व किया जाता है। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मोबाइल फोन फेयर मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस हेल्ड इन मार्च 2022 इन विच कंट्री? सो दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइलों का मेला आप कह सकते हैं, ये रिसेंटली स्पेन में इसको ऑर्गेनाइज किया गया है मार्च 2022 में। सो ये एक किस्म का फेयर है, फेयर का मतलब होता है मेला, और इसका नाम, इसको नाम दिया गया है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस। और ये जो है स्पेन, जो कि मैं रिसेंट लास्ट में बता चुका हूँ स्टार्टिंग में, कि राफेल नडाल भी स्पेन से ताल्लुक़ रखते हैं। और ये जो फेयर है
ये रिसेंटली इसको 28 फरवरी 2022 से लेकर 3 मार्च 2022 तक बार्सिलोना में इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। बार्सिलोना सिटी है स्पेन का, लेकिन कैपिटल नहीं है, कैपिटल इसका मैड्रिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिफ्थ यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल असेंबली ऑर्गेनाइज टू टैकल प्लास्टिक पोल्यूशन इन विच कंट्री। सो पांचवी ये यूनाइटेड नेशंस की एनवायरमेंटल असेंबली हुई है, इसको केनिया में ऑर्गेनाइज किया गया है। केनिया इसका करेक्ट आंसर है, और ये हर साल, हर 2 साल में एक मर्तबा होता है, और ये जो है केनिया में होता है, नैरोबी में। नैरोबी इसका कैपिटल है और केनिया जो कंट्री है, ये 2 साल में एक मर्तबा होता है, और ये 2012 से लेकर होता हुआ अभी तक आ रहा है। 2012 में पहली मर्तबा हुआ था और 2022 में पांचवी मर्तबा हुआ था, इसीलिए यहाँ पे फिफ्थ लिखा हुआ है। सो यहाँ केनिया जो है करेक्ट आंसर है। द फोर्थ मीटिंग ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ द क्वाड ग्रुप होस्टेड बाई विच कंट्री। सो रिसेंटली क्वाड ग्रुप की जो है मीटिंग हुई है, और ये जो है ऑस्ट्रेलिया ने होस्ट किया है। क्वाड एक ग्रुप है और इसको जो है इसके फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है रिसेंटली, और ये जो है ऑस्ट्रेलिया ने होस्ट किया है, और ये चौथा था, फोर्थ इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि चौथी ये इनकी मीटिंग थी फॉरेन मिनिस्टर्स की। पहली हुई थी 2019 में, दूसरी हुई थी जो है ये जापान में, और इसके बारे में 2021 में जो टेस्ट हुआ था एक, उसमें भी पूछा गया था कि इनकी दूसरी मीटिंग कहाँ हुई है। सो अब एक्सपेक्टेड है कि 2022 का पूछा जाए। सो 2022 का जो है ऑस्ट्रेलिया ने किया है, इसको होस्ट किया है, और नेक्स्ट जो होगा 2023 में होगा, लेकिन ये डिसाइड नहीं हुआ है कि कौन सी कंट्री इसको होस्ट करेगा। सो ये जो है इसका ऑस्ट्रेलिया जो है इसका करेक्ट आंसर है। और क्वाड ग्रुप में याद रहे कि पाकिस्तान मेंबर नहीं है, इंडिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है, लेकिन पाकिस्तान इज नॉट अ मेंबर ऑफ क्वाड। हु विल बी ऑनर्ड विद द इंटरनेशनल क्रेजियस वुमेन अवार्ड 2022। सो रिजवाना हसन इज़ द करेक्ट आंसर एंड शी बिलोंग्स टू बांग्लादेश। ये बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखती हैं और ये इन्वायरमेंटल लायर हैं एक, और इनको जो है यूएसए की जानिब से इंटरनेशनल वुमेन ऑफ क्रेजियस अवार्ड जो है वो 2022 का ये दिया जाएगा। यूएसए बैंड ऑयल इम्पोर्ट ऑन विच कंट्री इन मार्च 2022। सो अमेरिका ने रूस पर जो है ऑयल इम्पोर्ट की पाबंदी लगा दी है, और इसी तरह बहुत से दीगर पाबंदियां भी लगी हैं रशिया पर। सो ये आने वाले हम जो है वीक में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी पाबंदियां लगी हैं, क्योंकि मोस्ट सेंक्शनड कंट्री बन चुका है रशिया इस वक्त दुनिया में। सो ये हम सब फॉलो करता करते रहा करें आप लोग, हम सब कुछ इसके बारे में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह करंट अफेयर्स में। वेयर विल द नेक्स्ट G7 ग्रुप ऑफ सेवन समिट बी हेल्ड इन 2022। सो ये समिट्स जो होते हैं, समिट्स का मतलब होता है सरबराई इजलास, ये इनके बारे में करंट अफेयर्स में ज़रूर पूछा जाता है। सो अब G7 की जो समिट होगी वो जर्मनी इसको होस्ट करेगा, और ये जो है इसको 1975 में बनाया गया था G7 को, ग्रुप ऑफ सेवन को। इसके साथ साथ ये जो है इसका पहला जो समिट हुआ था, पहला सरबराई इजलास को फ्रांस जो कि यूरोप का कंट्री है उसने इसको होस्ट किया था। 46वां हुआ था 2020 में, 45 बीच में हो चुके हैं, अब उनके चांसेस कम हैं क्योंकि 2022 चल रहा है, उनके बारे में नहीं पूछा जाएगा। सो अब जो नेक्स्ट 46वां जो हुआ था वो यूएसए ने होस्ट किया था, 47वां जो हुआ था 2021 में लास्ट ईयर इसको यूके ने किया था होस्ट, अब 48वां जो होगा 2022 में इसको जर्मनी होस्ट करेगा। सो जर्मनी इसका करेक्ट आंसर है। आपसे ये क्वेश्चन है कि G7 का मेंबर पाकिस्तान है या नहीं, पाकिस्तान इज़ दी मेंबर ऑफ G7 आर नॉट, इसका जो है ना आप मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो इसे ज़रूर शेयर करें। हर किस्म के पास्ट पेपर्स, करंट अफेयर्स के रिलेटेड आप test1.pk विज़िट कर सकते हैं। ये वो वेबसाइट है जहां पास्ट पेपर विद डिटेल डिस्कस किए जाते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स डेली बेसिस पर यहाँ जो है अपडेट किए जाते हैं, चाहे वो पाकिस्तान अफेयर्स हो चाहे इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हो, बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, आप इसे ज़रूर विज़िट करें। PDF चाहिए तो वो भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।